रितिक रोशन की फिल्म विक्रम दे रही हूँ तो नाम के लिए एक रीमेक फिल्म है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दें ये फिल्म किसी ओरिजिनल फिल्म से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आप लोग इस फिल्म को थिएटर में देख भी नहीं जाते तो आप लोग यही कहोगे कि हमने एक बहुत अच्छी फिल्म को मिस कर दिया है, इसलिए आप लोग इस फिल्म को थिएटर में देखने ज़रूर जाना। दोस्तों आप लोगों को बता दें, कल रितिक रोशन सर ने अपने HRX ब्रांड के प्रमोशन के लिए एक वीडियो अपलोड किया है जहां पर वो HRX ब्रांड के कुछ प्रोजेक्ट बता रहे हैं। बट दोस्तों आप लोग उन प्रोजेक्ट को तो छोड़िए, आप लोग रितिक रोशन सर पर गौर करिए, क्योंकि रितिक रोशन सर का इस टीजर में जो लुक है वो काफ़ी अमेजिंग है। मतलब कि रितिक रोशन सर का विक्रम बेदा फिल्म में यही लुक रहने वाला है। और इस वीडियो में रितिक रोशन सर की जो हेयर स्टाइल है वो अब तक आप लोगों ने रितिक रोशन सर के कैरियर में कभी नहीं देखी। मतलब कि रितिक रोशन सर की ना तो कभी आप लोगों ने फिल्मों में देखी है ऐसी हेयर स्टाइल, और ना ही रितिक रोशन की रियल लाइफ में देखी है ऐसी हेयर स्टाइल। इस फिल्म में नज़र आएगी जो हेयर स्टाइल वो काफ़ी बेहतरीन रहेगी। मतलब कि विक्रम बेदा फिल्म में इस तरह से रितिक रोशन कितने जमेंगे आप लोग खुद सोच सकते हो। यहाँ पर तो रितिक रोशन सर अपने बालों को बांधे हुए हैं। विक्रम बेदा फिल्म में रितिक रोशन सर के बाल शायद खुले होंगे, तो खुले बालों में रितिक रोशन सर कैसे लगेंगे ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। तो आप लोग कह सकते हो रितिक रोशन सर जब विक्रम बेदा फिल्म में इसी लुक में मास एक्शन करेंगे तो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा, थिएटर में कितनी ज़्यादा तालियां और सीटियां बजने वाली हैं, क्योंकि ये लुक ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। और इस लुक को देखने के बाद ऑडियंस के बीच में इस फिल्म के टीजर के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है। सो इस फिल्म का टीजर भी इंडिपेंडेंस डे के मौके पर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म का टीजर इंडिपेंडेंस डे के मौके पर आने वाला है। आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, कल रितिक रोशन सर ने जो वीडियो रिवील किया है उस वीडियो को देखने के बाद इस फिल्म का क्रेज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, जब इस फिल्म से ओरिजिनल कंटेंट रिलीज किया जाएगा तब इस फिल्म का क्रेज कितना बढ़ सकता है। अभी तो सिर्फ रितिक रोशन सर इस फिल्म के लिए बाहर से क्रेज बना रहे हैं, जब इस फिल्म से ही पोस्टर, मोशन पोस्टर, टीजर, ग्लिम्स रिलीज किए जाएंगे तो इस फिल्म का क्रेज कितना ज्यादा बन सकता है, आप लोग कमेंट कर खुद बताना।